एशियन गेम्स 2023 के अंदर टीम इंडिया ने अपनी मेडल टैली के अंदर पूरा शतक कंप्लीट कर लिया, यानी कि 100 मेडल टीम इंडिया के पूरे हो चुके हैं। 25 गोल्ड, 35 सिल्वर, 40 ब्रोंज, यानी कि टोटल टैली कितनी बन जाती है, टोटल टैली बन जाती है यहां पर 100। शतक पूरा कर लिया टीम इंडिया ने यहां पर, सारे अगर आप खेल को मिला ले तो टीम इंडिया के 100 मेडल कंप्लीट हो चुके हैं। चौथे नंबर पर है टीम इंडिया, पहले नंबर पर चाइना है, तो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि टीम इंडिया के लिए। बहुत टाइम बाद हमने ऐसा कुछ बड़ा फिगर टच करा। उसके अलावा पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की क्या ही बात करें, पाकिस्तान की टीम अभी फिलहाल एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ कहीं अटकी हुई है। पता नहीं कौन से नंबर पे आपको डूब मिल जाए तो आप बता देना हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कि कौन से नंबर पे है पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान की टीम इस एशियन गेम्स 2023 के अंदर एक भी गोल्ड मेडल नहीं ला पाई, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग था। किसी ने उम्मीद नहीं थी की थी कि इतना खराब प्रदर्शन आएगा। और वो आपको स्क्वाश वाली वीडियो याद होगी खिलाड़ी की, जहां पर वो काफी ज्यादा शो ऑफ कर रहा था भारत को एक ब्रॉन्ज मेडल मैच वाले के अंदर हराने के लिए, और उसके बाद जब गोल्ड वाली बात आई तो उसके अंदर हार गया वो खिलाड़ी। और स्क्वाश के अंदर भी टीम इंडिया गोल्ड आया, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे उसके अलावा आप कबड्डी ले लीजिए, चाहे आप स्क्वाश ले लीजिए, चाहे आप हॉकी ले लीजिए, रेसलिंग ले लीजिए, हर एक मुकाबले के अंदर, हर एक खेल के अंदर टीम इंडिया ने अपना परचम पाकिस्तान से ऊपर लहराया और लगातार डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिखा हमें एशियन गेम्स 2023 के अंदर। लेकिन इसके बाद से बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको बतानी जरूरत थी, जो यहां पर बड़ा मुकाबला हुआ था एशियन गेम्स 2023 का, किसके साथ, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच, जो कि ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला था, वो मुकाबला भी पाकिस्तान की टीम हार गई, यानी कि ब्रॉन्ज की रेस से भी बाहर हो गई पाकिस्तान की टीम। इसके बाद जो ट्विटर है वो भर चुका है भाई लगातार मीम्स के ऊपर, जो कि लगातार ट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तान को। और एक ट्विटर जर्नलिस्ट है जिन्होंने बहुत कुछ लिखा था जब यहाँ पर एंट्री हुई थी पाकिस्तान की टीम की एशियन गेम्स 2023 के अंदर, तो एक जर्नलिस्ट ने लिखा था यहाँ पर कि ये छोटा मैदान है, यहाँ पर देखना हैदर अली और आसिफ अली क्या होंगे, बहुत ज़्यादा मैडनेस हो जाएगी। उस मैडनेस वाले टॉपिक को लेकर भी काफ़ी सारे यहाँ पर रिप्लाइज आ रहे हैं, उन रिप्लाइज के ऊपर नज़र मारते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मीम्स लगातार बन रहे हैं, बांग्लादेश वॉन ब्रॉन्ज मेडल मैच अगेंस्ट पाकिस्तान इन एशियन गेम्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, कॉन्ग्रेचुलेशंस बांग्लादेश, व्हाट अ प्राउड मोमेंट फॉर साउथ एशिया। जिसको जिसको समझना था वो समझ गए। इसके अलावा एंड द ब्रॉन्ज गोज टू बांग्लादेश, पाकिस्तान गेट्स ठेंगा, तो भाई ठेंगा मिल गया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान उस छोटे स्टेडियम में तुमसे ये भी नहीं हो पाया, कसम से कितने नालायक। और वो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ट्रोल किया जा रहा है। और इन क्रिकेट, इन हॉकी, इन फुटबॉल, इन स्क्वाश, और यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर मीम्स बन रहे हैं लगातार। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, और यहाँ पर ब्रॉन्ज भी नहीं जीत पाई पाकिस्तान की टीम, और ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है यहाँ पर। हाँ भाई, आ गया स्वाद। और यहाँ पर चार फोटोज़ हैं जो पे लगातार डोमिनेंट परफॉर्मेंस हुआ है टीम इंडिया का, स्क्वाश के अंदर 2-1 से, हॉकी के अंदर 10-2 से, फुटबॉल के अंदर 3-0, और कबड्डी के अंदर 61-14। तो ये डोमिनेशन है एशियन गेम्स के अंदर पाकिस्तान के ऊपर टीम इंडिया की। और कहीं ना कहीं इसके बाद से ट्विटर के ऊपर भी जो जो रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे, जहाँ पर इरफान पठान ने ट्वीट करा, मोदी जी ने ट्वीट करा। आइए ट्विटर के ऊपर एक बार फिर नजर मारते। तो आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर इरफान पठान ने क्या लिखा था, वी इंडियंस ऑलवेज लाइक द 100% ऑफ द क्रिकेट फील्ड एंड दिस टाइम द सेंचुरी हैज कम फ्रॉम एथलीट्स इन द एशियन गेम्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियन एथलीट्स फॉर विनिंग द मेडल फॉर अस एशियन गेम्स 2023। उसके बाद मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री ने क्या लिखा, अ मोमेंटम अचीवमेंट फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स, दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर थ्रिल्ड दैट वी हैव रीच अ रिमार्केबल माइलस्टोन ऑफ 100 मेडल्स, आई एक्सटेंड माई हार्टफेल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर फिनोमिनल एथलीट्स whose efforts have led to this historic milestone for India. Every OV inspiring performance has made history and filled our hearts with pride. I look forward to hosting Asian Games contingent on the 10th and interacting with our athletes. यानी कि भाई मोदी जी ने भी अब तारीफ के पुल बांध दिए टीम इंडिया के लिए। हम सबकी तरफ से भी बहुत 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 बधाई एशियन गेम्स 2023 के अंदर परचम इतना ऊपर लहराने के लिए। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक खेल के अंदर, चाहे वो जैवलिन हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो स्क्वाश हो, कोई भी खेल हो, उसके अंदर टीम इंडिया ने अपना 100% दिया है। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। आप थोड़े से लोगों को, दूसरों को मजाक बनाने में कम थोड़े से ध्यान व्यान दीजिए। चांद पर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन आज आप भी आपके झंडे के ऊपर चांद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।